अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि ये आएगा आगे चल के एक्सरसाइज में, हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। तो आ गया ये क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका दो त्रिभुज हो गया और इनके नाम कुछ दे देते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे, एक का नाम देते हैं ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पहले लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि दो समरूप है ना, तो इनको लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसमें दो माध्यिका भी आपको दिखानी होगी। तो चलिए एक माध्यिका यहां से ले लेते हैं ए डी और एक माध्यिका ले लेते हैं यहाँ पे पी एम, ठीक है, ये दो माध्यिका ले लेते हैं, ठीक। तो ये आपका ये डी पॉइंट हो गया और ये आपका एम हो गया, ये ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं, ठीक है, है ना। तो यहां लिखेंगे कि ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये माध्यिका दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर किसके बराबर होता है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि AD बटा PM के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए यहां दिया है क्वेश्चन में कि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। अच्छा ये माध्यिकाएं हैं तो आपको पता है कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि BD बराबर CD और QM बराबर RM, यानी आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD बराबर हाफ ऑफ BC, है ना, या ये दूसरा है ना और देंगे, और QM बराबर हाफ ऑफ QR, इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं आसानी से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, याद देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2BD बराबर में BC और 2QM बराबर में QR, ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपके पास दिया है ना, ये आपके पास ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है, आपको ये पता है प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं बराबर होते हैं। तो ये मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा आप। चलिए
संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर। हम लोग दो ही अनुपात लेंगे। एक्चुअल में हम ना ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं, ए बी डी को और पी क्यू एम को, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम ये दो ही लेते हैं, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। अब एक कोण ले लेते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा ना, संगत कोण है तो बराबर हो जाएंगे। चलिए हम ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी की जगह यूज कर देते हैं टू बी डी, टू बी डी, और यहाँ देख लीजिए क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम, टू क्यू एम, यहाँ टू से टू कट जाएगा। और तथा आपका एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी किसके बराबर है एंगल क्यू के, सॉरी एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। तो ये देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये इन दोनों भुजा देख लीजिए जो कोण बना है उसको अंतर्गत करने वाली भुजा का भी अनुपात क्या है बराबर हो रहा है। देख रहे हैं ना आप फिगर में, यहाँ लिखा हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर में आ गया है आपका बी डी बटा क्यू एम, देख लीजिए ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम, और तथा एंगल बी बराबर हो गया है एंगल क्यू। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो ये छोटा वाले त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों के, यहां लिखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस कारण से आप इन दोनों छोटे त्रिभुज में ए बी डी में और पी क्यू एम में आप लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर में क्या लिख सकते हैं ए डी बटा पी एम। यही लाने के लिए हम चाह रहे थे कि इनके भुजा का संबंध इनके माध्यिकाओं के साथ आ जाए, तो आ गया ना। अब यहां चलिए, आपके पास दिया था त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, ये आपके पास ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब यहां लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अब यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बटा पी क्यू तो हम यहाँ ए डी बटा पी एम के दिखाए हैं, इसको एक मान लीजिए। तो यहां आप लिख सकते हैं ना ए डी बटा पी एम ए बी बटा पी क्यू की जगह, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए डी बटा में पी एम का होल स्क्वायर। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया ना। तो ये भी एक तरह का प्रमेय जैसा ही है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां लिख देंगे समीकरण एक से ये हुआ है, ये जो ऊपर हम लोग यहाँ लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर